की प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित उपन्यास मैं अहिल्या हूँ। इस उपन्यास का लेखन रंजना फतेहपुरकर ने किया है। रंजना फतेहपुरकर हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार। रंजना फतेहपुरकर के इस उपन्यास में अहिल्याबाई के समग्र जीवन, उनकी कीर्ति गाथा, देश सेवा, धर्म सेवा, लोक सेवा से जुड़े उनके समस्त कार्यों का विवरण यहाँ पढ़ने को मिलता है। प्रस्तुत है इस उपन्यास का धारावाहिक वाचन और यहाँ रंजना फतेहपुरकर जी आज इस उपन्यास के प्रारंभिक अंशों का वाचन प्रस्तुत कर रही है। आशा है इस उपन्यास की कथा आप सबको पसंद आएगी। अहिल्या हूँ। सुबह के अरुणिमा नीले आसमान में गुलाल सा बिखेर रही थी। सूर्य की सुनहरी रश्मियों ने जैसे शिव की आराधना में सहस्त्र ज्योत जला कर रखी थी। सिद्धेश्वर मंदिर में आरती की थाली, हल्दी, कुमकुम, अक्षदा और तरह तरह के सुगंधित फूलों से सजी हुई थी। पास ही धूप बत्ती से धूम्र वलय उठकर शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे थे। सुवासित फूलों से संपूर्ण मंदिर महक रहा था। पास ही में नैवेद्य की थाली रखी हुई थी। मेरे हाथ में पंचारती थी, जिसके पवित्र प्रकाश में शिवलिंग आलोकित हो रहा था। बचपन से ही मेरे मन में शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। मेरा एक कदम भी शिव को स्मरण करके ही उठता था। आई बाबा भी शिव भक्त थे, उन्होंने ही शिव भक्ति की घुट्टी मुझे पिलाई थी। मैं तन्मय हो शिव की आरती कर रही थी। शिव स्तोत्र मेरी आवाज में एकाकार हो गए थे। शिव की आरती कर मैंने पुष्प शिव को अर्पित कर नैवेद्य दिखाया। फिर प्रसाद सबको बांटने के लिए तबक उठाकर पीछे मुड़ी ही थी कि देखा, दो राजपुरुष सिर नवाए भक्ति भाव में लीन खड़े थे। मैंने उन्हें प्रसाद दिया। उनके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कुराहट थी। मैं उन्हें देख चौंकी, अरे ये तो वही राजपुरुष हैं जिनसे कल अचानक नदी किनारे मुलाकात हो गई थी। मुझे अनायास ही कल की घटना स्मरण हो आई। मैं और मेरी सहेलियां रेत से शिवलिंग बना रही थी। अभी शिवलिंग बनकर पूरा ही हुआ था और हम सब उस पर सुगंधित पुष्प अर्पित कर ही रही थी कि तभी अश्वों से टापों के आवाज से जैसे जमीन हिल उठी। हम सब सहेलियां चौंक कर उधर ही देखने लगी। तभी एक अश्व बेकाबू हो हमारी तरफ वेग गति से आने लगा। भयभीत हो मेरी सारी सहेलियां वहां से भाग गईं। लेकिन मैंने सोचा, अगर मैं भी भाग गई तो अश्व के टापों से मेरा बनाया शिवलिंग ध्वस्त हो जाएगा। जिस शिवलिंग का निर्माण मेरे हाथों हुआ था उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही थी। मैंने सोच लिया था, मैं शिवलिंग छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितनी ही चोट क्यों न लग जाए। मैंने अपनी बाहों से शिवलिंग को घेर लिया, क्योंकि मैं शिवलिंग का अस्तित्व किसी भी परिस्थिति में बचाना चाहती थी। अश्व की टप टप की आवाज पास आती जा रही थी। मैंने भय से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन धीरे धीरे अश्व के टापों की आवाजें धीमी होती हुई बंद हो गई। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने एक सैनिक जो अश्व पर सवार था डांटने के स्वर में बोला, ए लड़की,
कौन हो तुम और रुकी क्यों नहीं? अगर चोट लग जाती तो? तभी पीछे से एक और अश्वारोही आगे आए। उनके राज वस्त्रों से वे कहीं के राजा ही लग रहे थे। वे अश्व से नीचे उतरे और पास आकर मेरा हाथ पकड़कर उठाया और बोले, बेटी तुम्हारी सारी सहेलियां भयभीत होकर चली गईं, लेकिन तुम नहीं गई और शिवलिंग को बचाने की कोशिश करती रही। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? मैंने नम्रता से जवाब दिया, जी अगर मैं भी चली जाती और शिवलिंग खंडित हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे आई बाबा कहते हैं, जिसको अस्तित्व में हमने लाया है उसकी रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए इस शिवलिंग को अगर आकार मैंने दिया है तो मेरा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना। मेरी बात सुनते ही दोनों राजपुरुष कौतुक से हंस दिए और बोले, बेटी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे आई बाबा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अहिल्या है, मेरे बाबा मानकोजी शिंदे हैं और वे इस चौंडी गांव के पाटिल हैं। मेरी आई का नाम सुशीला बाई शिंदे है। वो राजपुरुष बोले, अरे वाह, तब तो जरूर मिलेंगे हम तुम्हारे आई बाबा से। उन्होंने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, सदा खुश रहो और क्षंत रहो बेटी अहिल्या। मैं उन्हें प्रणाम कर घर आ गई थी। आज उन्हें मंदिर में देखते ही मुझे सारी घटना स्मरण हो आई। मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने फिर से मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और पूछा, अहिल्या तुम्हारे बाबा कैसे हैं? हम शीघ्र ही उनसे मिलेंगे। मैंने कहा, जी जरूर मिलिएगा, उन्हें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। घर आते ही मैंने आई को पुकारा, आई आई कहाँ हो, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ आ रही हूँ, आई ने रसोई घर से कहा, तुम्हें तो हर बात की जल्दी होती है। पर मैं खुद ही रसोई घर में पहुंच गई और आई के गले में हाथ डालकर बोली, आई आज मंदिर में मुझे दो राजपुरुष मिले, वो कहीं के राजा लगते थे, आपके और बाबा के बारे में पूछ रहे थे। आई परेशान होकर बोली, अरे राजपुरुष कहीं के राजा लगते थे? अहिल्या सच बताना, तुमने उनसे आदर पूर्वक बात तो की थी ना? तुम ज्यादा बोलती हो, कहीं असावधानी में उनकी शान में कोई कमी तो नहीं की, उन्हें नाराज तो नहीं कर दिया? अरे नहीं आई, वो तो बहुत खुश लग रहे थे, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर भरपूर आशीर्वाद भी दिए। अच्छा आई, आज खाने में क्या बनाया है? आई बोली, अहिल्या तेरे पसंद का पिठला और भाकरी, साथ में मिर्ची का ठेसा भी है। तू जाकर अपने कपिला गाय से मिला, देख तेरी आवाज सुनकर वो तुझे पुकार रही है। मैं तुरंत आंगन में कपिला के पास भागी और उसे प्यार से सहलाने लगी। वो भी मेरा स्पर्श पा खुशी से रंभाने लगी। मैंने उसे खाने को हरी हरी कोमल घास लाकर दी, वह सिरे लाते खाने लगी। फिर मैंने पास ही खेल रहे भेड़ के छोटे से बच्चे को गोद में उठा लिया, वो भी मेरी गोद में लाड़ से सिमट गया। मैं आगे बढ़ी और एक नियत जगह पर चिड़ियों को दाने डाले और उनके सकोरे पानी से भर दिए। तुरंत सारी चिड़ियां अपने पंख फड़फड़ाते आईं और दाने चुगने लगी, साथ ही सकोरे से पानी पीती और अपने पंखों को भिगोती चहचहाने लगी। मैंने आंगन में आम नीम जाम के वृक्षों को पानी दिया। मैंने देखा आम पर बौर आ गए हैं। बौर देखकर मैं खुश हो गई और आम की डालियां भी जैसे झूमते हुए मेरी खुशियों में शामिल हो गई। तभी आई की आवाज आई, चल अहिल्या भोजन तैयार हो गया है, तुम्हारे दोनों दादा को भी बुला लाओ,
और आकर पाट बिछा लो, पीने के लिए पानी भरकर रख दो। मैं तुरंत शाहजी दादा और महाजी दादा को बुलाने चल दी। रसोई घर में आकर देखा तो आई भाकरी बना रही थी। मैं बोली, आई मुझे भाकरी बनाने दो ना। आई बोली, अहिल्या अभी तो तुम तुम्हारे दादा के साथ भोजन कर लो, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे, जब वो आएंगे तब उन्हें गरम गरम भाकरी बनाकर खिलाना, लेकिन ध्यान रखना जलने न पाए। हाँ, कहते कहते आई हंसी, दोनों दादा भी हंसने लगे। मैं बोली, नहीं जलाऊंगी ना आई, देखना बाबा को मेरे हाथ की भाकरी कितनी अच्छी लगेगी। आई बोली, अहिल्या अब तुम बड़ी हो गई हो, घर के सारे काम काज तुम्हें आना ही चाहिए, कल को ससुराल जाओगी तो कहीं तुम्हारी सासू माँ ये न कहे, अहिल्या की माँ ने तो अहिल्या को कोई काम काज ही नहीं सिखाया। शाहजी दादा और महाजी दादा भी मेरी ओर देखकर हंसने लगे। मैंने मुंह फुलाकर कहा, आने दो बाबा को, तुम्हारी शिकायत करूंगी फिर बाबा तुम्हें अच्छे से डांटेंगे। आई हंसकर लाड से बोली, अरे नहीं, मेरी अहिल्या तो ससुराल जाकर मायके का नाम रोशन करेगी, थोड़ा है ना अहिल्या। मैंने देखा आई की पलकों की कोर भीगी हुई थी, मेरा मन भी भीग गया। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं जल्दी ही घर के काम सीख जाऊंगी। आई ने भोजन परोस दिया था, हमने बैठकर थाली को नमस्कार किया और मंत्र एक स्वर में बोलने लगे, हे परमात्मा आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का पालन पोषण करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति प्राप्त करें, हमारी प्राप्त की ही विद्या तेजप्रद हो, हम परस्पर द्वेष न करें परस्पर स्नेह करें। तत्पश्चात खाना खाकर मैं बाहर सहेलियों के साथ खेलने निकल गई। सांझ खीर आई थी, आसमान में रंगोली के कितने ही रंग बिखरे हुए थे, पंछी अपने घोंसले में चहचहाते हुए लौट रहे थे, गायें भी धूल उड़ाती लौट रही थी, उनके गले में बजती मधुर घंटियों के स्वर वातावरण में मधुर संगीत खोल रहे थे। संध्या आरती का समय हो रहा था, मैं सिद्धेश्वर मंदिर की ओर चल दी। सिद्धेश्वर की दोनों समय की आरती मेरी नियमित दिनचर्या में शामिल थी। शिव का अलौकिक स्वरूप मेरे मन में हमेशा बसा रहा था, उनकी भक्ति मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। आरती कर घर वापस आ गई, घर में देवारे में निरंजन जलाई और आंगन में स्थित तुलसी के चौरे पर भी दीपक जलाया। मैं दीपक की प्रार्थना करने लगी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। आई कहती है, तुलसी हमारी माता है, जिस तरह माँ हमारी रक्षा करती है तुलसी भी हमें आरोग्य देकर हमारी रक्षा करती है। थोड़ी ही देर में बाबा आ गए। बाबा ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिराया और बोले, चल मेरे साथ बैठकर भोजन कर ले, तेरे दोनों दादा भी राह देख रहे हैं। आई गरम गरम भाकरी चूल्हे पर बना रही थी, हमने साथ साथ भोजन किया। भोजन के बाद मैं अंदर कक्ष में आकर लेट गई। मैं सोने से पहले शिवजी से प्रार्थना करने लगी, हे शिवजी आपकी कृपा से आज का दिन सुख और आनंद से बीत गया, आने वाले दिनों में भी आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तभी बाबा ने आई से पूछा, अहिल्या सो गई क्या? आई ने एक नजर मुझ पर डाली और बोली, लगता है सारे बच्चे सो गए। बाबा बोले, सुशीला मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अरे तू कहिए ना, मुझे भी आज आप थोड़े अनमने से लग रहे हैं, आई ने चिंतित स्वर में कहा। बाबा बोले,
गांव के बाहर नदी किनारे हरे भरे वृक्षों के नीचे शामियाना लगा है। वहाँ पूना के श्रीमंत बाजीराव पेशवा और इंदौर के सूबेदार श्रीमंत मल्लाराव होलकर विश्राम के लिए ठहरे हैं। आज श्रीमंत सूबेदार मल्लाराव जी का संदेश आया है कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं सुबह उनसे मिलने जाऊंगा। पर ऐसा क्या काम आ गया कि वे मुझसे तुरंत मिलना चाहते हैं? आई बोली, हाँ याद आया, अहिल्या भी कह रही थी कि मंदिर में किन्हीं दो राजपुरुषों से भेंट हुई थी और वे आपके बारे में पूछ रहे थे। कहीं अहिल्या ने ऐसा कुछ तो नहीं कह दिया जो उन्हें अच्छा नहीं लगा हो? बाबा बोले, अहिल्या स्पष्ट वक्ता जरूर है, पर वो वही कहती है जो उसे सही लगता है। पर अहिल्या बहुत समझदार है, वो तो सबसे सम्मान पूर्वक बात करती है, फिर चाहे वे हमारे घर में काम करने वाले सेवक ही क्यों न हो। ठीक है सुशीला, तुम चिंता न करो, सिद्धेश्वर सब भला करेंगे। आई बाबा की बातें सुनते सुनते मेरे जाने कब सो गई। स्वप्न में भी वे राजपुरुष इंदौर के सूबेदार जी मेरे सिर पर स्नेह से हाथ फेरते नजर आ रहे थे। सुबह होते ही दिनचर्या फिर शुरू हो गई। आज बाबा इंदौर के सूबेदार जी से मिलने गए हुए थे। आई की नजरें बार बार दरवाजे पर आकर ठहर रही थी। घर का कामकाज भी वे अनमने ढंग से कर रही थी। मैंने आई से पूछा, आई क्या मैं काम में हाथ बताऊं? पर आई ने कहा, नहीं अहिल्या, सावधे तू आंगन में जाकर काम देख ले और सहेलियों के साथ जाकर खेल, बाबा थोड़ी ही देर में आते ही होंगे। दिन कहां निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। सांझ खिलते ही सिद्धेश्वर की संध्या आरती करके जैसे ही शिवलिंग पर पुष्प अर्पित किए, एक पुष्प मेरे सिर पर आकर गिरा। पुजारी काका हंसते हुए बोले, अहिल्या पूरी आज तो सिद्धेश्वर का आशीर्वाद तुझे मिला है, जरूर तुम्हारे जीवन में कुछ शुभ घटित होने वाला है। कहते हुए पुजारी काका ने भी मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, औक्षण हो अहिल्या, सुखी रहो। शिव जी का आशीर्वाद पाकर मैं भी खुद को बहुत भाग्यवान महसूस कर रही थी। घर लौटते वक्त मेरे पैरों के पैंजन से भी मधुर छम छम की आवाज आ रही थी, मानो वे भी मेरी खुशी में शामिल थी। रात की प्रार्थना करके सोने की कोशिश कर ही रही थी कि बाबा की आवाज आई। वे आई से पूछ रहे थे, अहिल्या सो गई क्या? आई ने कहा, हाँ सो गई है, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, अब जरा बताइए सुबह आप सूबेदार जी से मिलने गए तो उन्होंने क्या कहा? बाबा बोले, सुशीला तुम सच ही कह रही हो, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे परिवार पर शिवजी की कृपा हो गई है। मुझे जब इंदौर के सूबेदार जी ने अपनी शामियाने में बुलाया तो मैं आशंकित था कि कहीं हमारे परिवार या गांव के किसी व्यक्ति से कोई अवज्ञा तो नहीं हुई, लेकिन जब आज मैंने उनका अभिवादन करके पूछा, क्या आज्ञा है सूबेदार जी? उन्होंने उनके समीप ही मंच पर बैठाया और कहा, ये पूना के श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी हैं, इन्हीं की सलाह से मैंने आपको बुलाया है। मैंने झुककर उनका भी अभिवादन किया। पहले तो मुस्कराए, फिर मेरी कुशल क्षेम पूछी, फिर स्नेह से पूछा, क्या अहिल्या आप ही की बेटी है? मैंने कहा, जी सूबेदार जी, अहिल्या मेरी ही बेटी है। तब सूबेदार जी ने रानी साहब गौतमाबाई साहब को भी वहीं बुलाया और उनसे बोले, रानी साहब ये अहिल्या के पिता हैं, पाटिल पांडकोजी शिंदे। मैंने उनका भी अभिवादन किया। रानी साहब भी मुस्कराई और बोली, पाटिल साहब कल मंदिर में हमारी भेंट अहिल्या से हुई,
वह तन्मयता से शिव की आरती कर रही थी। उसके हाथ में पंचारती थी। उसके आरती के स्वर में साक्षात शिववाणी सुनाई दे रही थी। आरती का प्रकाश अहिल्या के चेहरे पर इस तरह पड़ रहा था कि जैसे देवी के बालिका रूप में तेज के वलय उठ रही हूँ। वह बहुत ही संस्कारी बालिका लगी। जब वह सौम्य मुस्कुराहट के साथ सबको आरती दे रही थी, तब उसके पैरों में रुंझुन बजती पायल ऐसी लग रही थी मानो लक्ष्मी ही पैंजन शनकाती चल रही हो। उसके चेहरे पर बहुत तेज था। हमें लगता है हमारे पुत्र खंडेराव के लिए वह योग्य पुत्र वधु साबित होगी। हम आपसे खंडेराव के लिए अहिल्या का हाथ मांगना चाहते हैं। श्रीमंत पेशवा जी बोले, पाटिल जी, अब आपकी सहमति हो तो आगे की बातें तय करेंगे। मैं तो निशब्द रह गया। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंदौर के सूबेदार श्रीमंत मल्लाराव जी अहिल्या को अपनी पितृवधू बनाना चाहते हैं। मन ही मन मैंने शिव जी की असीम कृपा का आभार माना। मैंने श्रीमंत पेशवा जी, सूबेदार जी और रानी साहेब को झुककर अभिवादन किया और खुशी से थरथराती आवाज में उनसे कहा, रानी जी, अब अहिल्या आपकी पुत्री हो गई, पर अभी वह ना समझ है। आपसे विनती है कि असावधानीवश अगर उससे कोई भूल हो तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा। सुबेदार जी बोले, पाटिल जी, आप निश्चिंत रहिए, अहिल्या हमारी बेटी जैसी ही रहेगी। अब घर जाइए और अहिल्या के आई साहेब को भी यह खुशखबरी सुनाइए। हम कल ही आपके घर अहिल्या का हाथ मांगने रीत सर आएंगे। हम तो यहाँ की प्राकृतिक छटा देखकर विश्राम के लिए श्रीमंत पेशवा जी के साथ रुक गए थे। हमने सोचा था कुछ दिन तलवारों की खनक के बदले निसर्ग का संगीत सुनेंगे। यह हमारे कुल देवत मल्हारी मार्टन की कृपा हुई। आज हमारे होलकर राजघराने में शहनाई की गूंज के साथ लक्ष्मी के शुभ कदम पड़ने के संकेत मिले। तभी श्रीमंत पेशवा जी बोले, सुबेदार मल्लाराव जी और वहिनी साहेब, यह विवाह अब पुनः के शनिवार वाड़े में हम धूमधाम से संपन्न कराएंगे। मैंने फिर एक बार सबका अभिवादन किया और खुशी के अतिरेक में डूबा घर लौट आया। आई की भी खुशी से थरथराती आवाज आई, अब वही खरच, क्या सच में हमारी अहिल्या इंदौर के राजघराने के पुत्रवधू बनेगी? लेकिन खुशी के साथ ही साथ शायद लाडली बेटी के बिछो की संभावना से उसकी आवाज भीग गई थी। बोली, अब अहिल्या हमसे दूर चली जाएगी। पता नहीं इतने बड़े राज परिवार में अहिल्या कैसे निभा पाएगी। बाबा बोले, सुशीला, काळजी नको करूस। तुमने अहिल्या को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो दोनों कुल का मान बढ़ाएगी। सुबह जल्दी उठकर श्रीमंत पेशवा जी, सुबेदार जी और रानी साहेब के स्वागत की तैयारी करो। अहिल्या के लिए भी अच्छे दागिने और रेशमी जरी की साड़ी निकाल कर रखो। आई बोली, हाँ तैयारी तो सारी कर लूंगी, पर मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आएगी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी। कई विचार मन में बादलों की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे। मन भारी हो रहा था। मेरा विवाह, मतलब मुझे आई, बाबा, शाहजी दादा, महाजी दादा, सारी सहेलियां, कपिला गाय, बकरियां, आंगन के पेड़, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं कैसे रह पाऊंगी इनके बगैर? पलकों पर आंसू आकर ठहर गए थे। अभी उजाला ठीक से हुआ भी नहीं था। शुक्र तारा अस्त हो गया था। नीले आसमान में कई रंग बिखरे हुए थे। पंछियों का कलर सुनाई दे रहा था।
तभी आई मेरे पास आई, मेरे सिरहाने बैठकर धीरे धीरे मेरे सिर को सहलाने लगी। मेरा मन कहने लगा, काश आई की माया में डूबा यह मधुर पल यही ठहर जाए। आई स्नेह से बोली, अहिल्या उठ गो पूरी, आज हमारे घर राज परिवार के मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, उनके स्वागत की तैयारी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। आई जैसे स्वयं से ही बोल रही थी। मैंने अनजान बनकर पूछा, कौन ये नारा रहेगा आई? चलो मैं भी काम में तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। आई हंसकर बोली, अहिल्या पुणे के श्रीमंत पेशवा, इंदौर के सूबेदार मल्हारराव जी और उनके रानी साहब हमारे घर आ रहे हैं। सूबेदार जी अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगना चाहते हैं। आज तुम कुछ काम मत करो, बस अच्छे से तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए रेशमी साड़ी और दागीने निकाल कर रखे हैं। मगर आई मेरा विवाह हुआ तो मुझे तुम सब लोगों को छोड़कर ससुराल जाना होगा। नहीं आई, मैं तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी कबीला का ध्यान कौन रखेगा, चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा, पेड़ों को पानी कौन देगा? जब मैं पेड़ों को पानी देती हूँ तो पेड़ जैसे खुश होकर मुझसे बातें करते हैं। आई बोली, अहिल्या ईश्वर ने हर स्त्री को दो घर की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। तुम्हें दोनों कुल का गौरव पढ़ाना है। विवाह एक पवित्र बंधन है, नए नए रिश्ते जुड़ते हैं, हर रिश्ते की अपनी एक अलग गरिमा है। तुम्हें हर रिश्ते के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। आई के बातों पर विचार करते हुए मैं तैयार हुई। आई ने ही सुंदर सी जरी की साड़ी पहनाई, कानों में कर्ण फूल, गले में वजट्टी, हाथों में पाटले, पैरों में पायल। जब पूरी तरह से तैयार होकर आई बाबा के सामने आई तो देखा आई बाबा की आंखें भीगी हुई थी। बाबा ने आई से कहा, सुशीला एक ही रात में अहिल्या कितनी बड़ी हो गई। आई ने भी धीरे से पल्लू से अपनी आंखें पोछी, खुशी और दुख की परछाई एक साथ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। एक और अहिल्या रानी बन राजघराने में जा रही थी तो दूसरी ओर बेटी के पराये होने का दुख साल रहा था। मैं दादा के साथ सिद्धेश्वर की प्रातः आरती करने गई। आरती के बाद मैंने आंखें बंद कर शिवजी से प्रार्थना की, हे शिवजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं दोनों कुल की मर्यादा परंपराएं प्राण प्रण से निभा सकूं। आई बाबा ने जो संस्कार मुझे दिए हैं उनको जीवन में उतार सकूं। पंचारती की ज्योत जैसे मुझसे कह रही थी, अहिल्या तुम्हारा जीवन हमेशा कर्तव्य पथ पर आलोकित रहेगा। घर आकर देखा आई बाबा का उत्साह जैसे आसमान छू रहा था। आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बंदरवाल सजाया गया था। द्वार पर इंद्रधनुष के सारे रंग समेटे सुंदर से रंगोली के आगे मेहमानों के लिए पायघड़ी बिछाई हुई थी। घर के अंदर मेहमानों के बैठने के लिए मंच सजाए गए थे। जगह जगह पानी के तबक में सुगंधित फूल महक रहे थे। रसोई घर से पकवानों की महक आ रही थी। दोनों दादा मुझे अचरज से देख रहे थे, कभी मुझे देखते कभी घर की सजावट को। आज दोनों ने मुझसे न तो कोई शरारत की और न चिढ़ाया। वो आई को पूछने लगे, खरच कग आई अपनी अहिल्या रानी होना? आई ने मुझे अंदर के कक्ष में बैठा दिया। वो मेरे जूड़े में मोगरे का गजरा लगाते हुए बोली, पूरी कितनी सुंदर दिखता है, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। कहते हुए आई ने काजल से नजर का टीका लगा दिया।
तभी अश्वों के टाकों की आवाज गूंज उठी। आई और बाबा तुरंत बाहर की ओर गए। द्वार पर ही फूल बरसाकर श्रीमंत पेशवा जी, सुबेदार जी और रानी साहब का स्वागत किया। टाइम हो गया मैम।